अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने आज अपने चैनल का पहला प्रैंक शूट किया और बहुत ही मज़ा आया। मैंने मलिक फैज़ान, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसके साथ प्रैंक ये किया है हमने कि मैं कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ और मुझे वो दूसरा गवाह चाहिए। इसको मैंने दूसरा गवाह बनने को कहा, इसने आगे क्या कहा ये आप वीडियो में देखें। आइए देखते हैं। ये मैसेज, मैं तुझे पहले मैसेज किया, तेरा रिप्लाई नहीं है। मैंने कहा बहुत ज़रूरी काम था, नान को पकड़ा तो अदनान को मैंने पकड़ा, मैंने कहा आ जा, ठीक है वो आए, आया फिर मैंने कहा आ जा चल फैज़ान के पास चलते हैं, जैसे बात करते हैं। मैंने कहा कि कोई इरादा है इसका, ये मानेगा नहीं ना, ऐसा गवाह बना गवाह ले किसका निकाह घर से चल के तू ये तू है नहीं बताया, नहीं बताया ना अभी तक, नहीं बताया करके बताना। हाँ ना, यही तो कह, घर वाले मानते नहीं है, ये मजबूर हुआ वाला लड़की उसे कह दिया कि आप मुझे करो। अच्छा, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं था इस चीज़ के बारे में, आज ये नान को बताया, कहता मैं नहीं जाता, तूने इससे पहले मुझे कभी इस बारे में बात भी नहीं की। मैंने कहा यार तुझे पता फिर ये बात होना कर दे तो फिर अक्सर वो तुझे पता ही है। कब आर यू रेडी ये तो बता। रेडी फिलहाल पेपर है मैम, अब तुझे नहीं जाना पड़ेगा तो सुन पास सारी सुन अंगूठा रखना थे हाँ कार नंबर बात जान तो ठीक आधा घंटा है सही है कोर्ट मैरिज ये एक और चीज़ है मेन जो इसको बतानी है, इसने वो नहीं माननी। ये अब या शुगर लगा रहे या सीरियस हो? नहीं ये है शुगर लगा इसको तू तो ना ही का तू बता तुझे लगता है ये शुगर लगा रहा है? मेरी हालत क्या हुई हुई है, इसको शुगर की पड़ी हुई है। घर वालों से बात की थी तुमने? पागल पागल है, घर वालों से बात करता था, मैं शादी का कार्ड देने आता। अच्छा, भाभी जी कह रही घर से उठा के लेके जाओ, उसके भी नहीं मानते हैं, उसके भी नहीं मानते। मसला ये है ना, रहने के लिए भी जगह नहीं है। मैंने तो कहा उधर एक संगी है, उसको कुत्तों वाला कमरा यार ये फिर मजाक कर रहा है। एक दो दिन की बात है कि मैं रेंज अब अपने कमरे में घुसा देता हूँ, मैं नोमी छत पे चले हाँ तो नहीं हो सकता रेंज नहीं, कोई और भी नहीं है, लाजमी नहीं है घर में ही, लाजमी तो नहीं है, जगह नहीं है मम्मी, लाजमी तो नहीं है घर में ही बंदा करे। फिर और कहाँ पे पैच मेरे से कौन से डेरे करनौल वाली साइड पे, जो तुझे मैं वहाँ भेज दूँ सामने जगह के तेरे जो ऊपर ढांचे बने हैं, बाहर से चढ़ा दी रस्सी सटी ना, हम खींच लेंगे ऊपर। तेरा एक दो दिन बाद बंदा साथ साथ बता भी देता है बंदा, उसके बाद हो जाता है ये काम खराब हो गया। फिर घर अब इन्हें भगा दिया घर से, फिर क्यों भगाए, भगा भी लेते हैं, मुझे कोई पता नहीं होता कुत्ता, जब बात आती है ना खानदान के दौबे नहीं देते। मैच मेरी हालत है, अब मैरिज के उसने क्या किया क्या हुआ पता नहीं क्या होगा, ये अभी सुन के तो नहीं हो गया इसको नहीं यहाँ तक चीज मैच कर गया तो ठीक है भाई, अगर देख ले फिर भी अगर होता है अरेंज तो बहुत मुश्किल है। सामने किसका है ये वाला? इनकी पहली लड़ाइयाँ कम होती नहीं है, ये तो मंझियाँ हैं, इधर मंझियाँ रखी हुई हैं, फ्लैट ले लेते हैं, कहेंगे बड़ा है, अगर नस्क में पड़ते हैं यार उस किस तरफ तू कह रहा है ये नस्क कि हॉस्टल में कमरा है, इधर पता नहीं इस एरिया में मालिक हॉस्टल में कमरा, सिर्फ इस तरफ कोई नहीं है हॉस्टल में। वैसे भी तू कह रहा है कि मेरे पास अभी 60,000 जमा हुआ हुआ है फ्लैट कर, 10-15 हज़ार से तू फ्लैट में निकाल दे आराम से, महीना तो निकल जाएगा, महीने में तो आराम आराम से कहानी डालता 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 सही बात, 10-1 हज़ार की भाभी की शॉपिंग कराएगा। फिर 30,000 तूने खाना प्रोग्राम का 3 दिन और ये तो थोड़े ही मुंह पैसे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है प्रोग्राम का। हाँ ना उधर थोड़ा सा बैठ के बात कर लेते हैं, नोमी भी तो नहीं आया।
बता ना फिर क्या करना है इस बारे में। जरा मेरे पास तो जगह कोई नहीं पहली बार, दूसरी बार ये काम खराब है यार। सही में ये काम ठीक नहीं। अब तू कह रहे, तू अभी अंदर गया था, तू कह रहा था काम ठीक है। नहीं निकाह वाला ठीक है, लेकिन ये भाग के करने वाला काम ठीक नहीं। नहीं भाग के नहीं करेंगे ना, खड़े होके करेंगे, बैठ के कहीं करेंगे। यार देख अब यही होता है ना, जब आपके आपकी कोई घर वाले ना सुने तो फिर घर बताओ तो सही ना, एक दफा बता के कोशिश बंदा ट्राई करता है कि यार यार हमें पता है ना यार, नहीं मानेंगे वो फिर नहीं, बंदा एक ट्राई तो कर ले पता है एक चीज का फिर वो नहीं मानेंगे। हाँ थोड़ा सा उधर चले जाते हैं, इधर ये होगा ना। हाँ चली चली खानी है तो बता दे, आपने खानी है तो बताओ। नहीं यार अच्छा नहीं क्या करना है, मेरे पास तो जगह नहीं है, जगह होती तो मैं क्यों ना घर बैठा रहूँगा, मैं तो खुद रख ले बड़ी बात है। अच्छा तो आपके साथ हम आपको एक बात बताना भूल गए थे, वो सामने कैमरा लगा हुआ है आपके साथ रहेंगे। तो ये पता था ये मैच कुछ होगा कोई ना कोई। ये अब आप इनको अपनी जगह दिखाएं, ये वो जगह है जहाँ पे बैठ के अजीज वीडियो बना रहा था, और ये अजीज जो कैमरा मैन है और इसने वीडियो बनाई है इस जगह पे छुप के, बिल्कुल भी फिजान भाई को पता नहीं चला। हमारे साथ अभी अतीक भाई भी आ गए हैं, और ये अदनान भाई पीछे बैठे हुए हैं, अभी अदनान भाई पढ़ के अभी वापस आए हैं। और फैजान भाई आपकी कैसी है, अब आपकी राय इजहारे राय पेश करें अपना। इजहारे राय मैंने क्या इजहारे राय, बैठे रहे हो तुम लोग तो आप इनको लाइक करो सर। तो गाइस आपने हमारा प्रैंक देखा होगा, आज हमने पहला प्रैंक किया फैजान के साथ, और शायद हमने थोड़ा सा चेंज प्रैंक किया। अभी अजान हो रही है तो हम आपको बाकी, आप चैनल को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, तो बाकी आपने देख ली होगी वीडियो। थैंक यू वेरी मच।